इस न्यूज बुलेटिन के सह प्रायोजक है भारतीय स्टेट बैंक शाखा भभुआ। अब बैंक आपके फोन में इंस्टॉल करें योनो SBI बैंक ऐप प्ले स्टोर से। भभुआ रोड स्टेशन पर ओमिक्रॉन जांच के नाम पर कर्मचारियों द्वारा हो रही है खाना पलटी। बिना जांच के यात्रियों की नेगेटिव रिपोर्ट बताकर भेजी जा रही है रिपोर्ट। कैमूर न्यूज के गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जांच कर्मियों ने बताया ये भी गारंटी नहीं है कि सभी की जाए जांच, खाना पूर्ति है जरूरी। नए साल पर कैमूर वन विभाग की टीम ने पार्क एवं पर्यटन स्थल का निरीक्षण करते हुए पुलिस जवानों को किया मुस्तैद। करकटगढ़, तेलहार कुंड, जगदवा डैम, करमचर डैम सहित सभी पर्यटन स्थलों पर पुलिस बल रहेगा तैनात। 3 जनवरी से सामान्य अवस्था में खुल जाएंगे सभी पर्यटन केंद्र। कैमूर जिले में अक्षरांचल योजना के तहत पढ़ाई कर रही ST SC व अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं की 9 जनवरी को भभुआ में कराई जाएगी साक्षरता परीक्षा। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कैमूर में अक्षरांचल योजना के तहत 74 केंद्र पर लाभित महिलाओं की होगी साक्षरता परीक्षा। मोनियासर के सभी पान दुकानदारों ने पान के दाम बढ़ाने के लिए दुकान बंद कर किया एक दिवसीय हड़ताल। आज यानी 1 जनवरी 2022 से पान के दामों में परिवर्तन करते हुए मक्का पान, मीठा पान और सांची पान 10 रूपए जबकि हरा मगई पान 7 रूपए का नया रेट किया गया निर्धारित। चैनपुर में शराब की खेप ले जा रहे 2 धंधेबाज की प्रखंड मुख्यालय के सामने बाइक अनियंत्रित होकर पलटने से खुली शराब तस्करी की पोल। चैनपुर थाने की पुलिस को सूचना मिलने और पहुंचने से पहले दोनों शराब तस्कर मौके से बाइक लेकर हुए फरार। दोनों उत्तर प्रदेश से शराब लेकर भभुआ की तरफ हुए रवाना। मोनिया प्रखंड के पुसौली पावर ग्रिड में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का किया गया आयोजन। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया द्वारा पुसौली उपकेंद्र के पूर्वी क्षेत्र वन में लोगों को आमंत्रित कर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के बाद दवा की कराई गई व्यवस्था। रामपुर प्रखंड के करमचर थाना क्षेत्र अंतर्गत बराव गांव में लगभग 60 लीटर देसी महुआ शराब हुआ बरामद। जानकारी देते हुए करमचर थाना अध्यक्ष संजय कुमार उर्फ सिंघम ने बताया बराव गांव के जंगल में गुप्त सूचना के आधार पर शराब बरामद, लेकिन धंधेबाज हुए फरार।